नमस्कार, मैं रवि पाल। छठवां चरण का चुनाव हो चुका है, अब सातवां चरण का चुनाव होने को है। और आज मैं ऐसी जगह आया हूँ जहाँ पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए। चाहे हम नमामि गंगे की बात करें, जब मैं इलाहाबाद में गया, चंदौली में गया, तो मैंने वहाँ की लोकसभाएं कवर की हैं। आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हो कि मैं समझ सकूँ, क्योंकि अक्सर कहा जाता है सरकारों के थ्रू कि जब से कॉरिडोर बना हुआ है तब से बहुत ज़्यादा रोजगार हो गया, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो लोग हैं वो काम करते हैं। इसके बारे में थोड़ा मुझे बताओ। ऐसा कोई बात नहीं है, जो पहले था उसी तरह है। नमस्कार, मैं रवि पाल। छठवां चरण का चुनाव हो चुका है, अब सातवां चरण का चुनाव होने को है। और आज मैं ऐसी जगह आया हूँ जहाँ पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए। चाहे हम नमामि गंगे की बात करें या फिर काशी कॉरिडोर की बात करें, तो इसलिए यहाँ पे आए हैं ताकि मैं खुद पर्सनली जान सकूँ कि वाकई में ये घाट किस प्रकार से दिखता है। इसका एक कारण है, आपने देखा होगा कि अगर आप किसी से बात करते हैं राम मंदिर के बारे में या किसी और स्थल के बारे में, तो अक्सर कहा जाता है कि नहीं, वहाँ पर अगर मंदिर होगा तो हजारों करोड़ का रोजगार होगा, वहाँ पे युवा रोजगार नौकरियाँ करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ क्योंकि 2015 में इसकी शुरुआत हुई तो अक्सर कहा गया कि नहीं, यहाँ पे पहले गंगा की सफाई होगी, उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोजगार होगा। तो बहुत से लोग हैं रेंडमली किसी के पास चलते हैं और ये पहले पूछेंगे कि आखिर उनकी कितना रोजगार बढ़ा, ताकि मैं खुद समझ सकूँ कि यहाँ पर जो एक काम करने वाला है उसकी कितनी कमाई हुई है। उसके बाद पॉलिटिक्स के मुद्दे तो हमेशा चलते ही रहते हैं। और सबसे पहले आप घाट देख लीजिएगा, यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी सफाई हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप चाहे ये जब लोगों ने मुझे बताया, ये नरेंद्र मोदी ने जिसका नाम रखा नमो घाट, और ये जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, हमसे थोड़ा दूर 80 घाट है, और तो लोगों से बात करेंगे, अपना रैंडमली बात कर रहे हैं ताकि मैं समझ सकूं। कैसे हैं? नमस्कार, आप यहीं पर हैं? यहीं रहते हैं आप? हम लोग, आप यही नाव है, आप यहीं से हैं? नहीं, बिहार से। अच्छा, बिहार से है, तो ये नाव चलाते हैं? नाव चलाते हैं, लड़के आते हैं। अच्छा, तो बिहार से क्या करने आए यहाँ पर? काम करने आया था। काम किस चीज का? बिहारी का है। अच्छा, तो ये नाव वगैरह आपकी नहीं है? मुझे एक बात बताइए, अक्सर ये कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा, जब से मोदी की सरकार आई है तब से बहुत ज़्यादा साफ सफाई होती है, कि आपको ऐसा कुछ लग रहा है, आपको कुछ परिवर्तन लग रहा है, क्या लगता है? साफ सफाई रहेगा तो अच्छा होगा। अच्छा, आप गंदगा होगा तो फिर बीमारी होता है। नहीं, तो ये हमेशा ही बनी रहती है? अच्छा, मैं इससे बात करने के लिए आया हूँ, जो ये मशीन चलाते हैं ना, उन लोगों से मैं बात करने के लिए आया हूँ ताकि मैं जान सकूँ। आप कहाँ से हैं सर? नमस्कार सर। नमस्कार, कहाँ से आए हैं आप? मैं तो औरंगाबाद बिहार से आया हूँ। अच्छा, आप भी गंगा जी के स्नान करने के लिए आए हैं या फिर आपकी नाव वगैरह है? जी। क्या है मुझे बताओ आप? मेरा कुछ नहीं है, खाली स्नान करने आए हैं। स्नान करने के लिए? मैं ऐसे लोग को ढूंढ रहा हूँ जिनकी ये नाव है। आइए थोड़ा, मैं इलाहाबाद में गया, चंदौली में गया, तो मैंने वहाँ की लोकसभाएं कवर की हैं। आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं उनके बारे में, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि जिसने पूर्वांचल जीत लिया है वो दिल्ली तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो रैंडमली मैं लोगों से बात करूँगा ताकि मैं समझ सकूँ आखिर में क्या कितनी कमाई हो जाती है और कितना रोजगार बढ़ गया है यहाँ पर। तो आइए न, अब देखो ये बात करते कि नहीं करते हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप एक बात बताइए कि यहाँ पर क्या परिवर्तन हुआ है 2014 के बाद से? कितने रोजगार में आपका, जो रोजगार पहले हुआ करता था, अब कितना ज़्यादा रोजगार बढ़ा है आपका? वो हम लोग साधु संत है, ये सब आपको नहीं बता सकते। नहीं, तो आप नाव नहीं चलाते हैं? नाव नहीं चलाते हैं, नाव वाले हैं। अच्छा, नाव नहीं चलाते हैं, वो बाबा है, अपन किनारे रहते हैं। तो नाव वाले कौन से? पर बात तो कराओ मुझसे। नाव वाले ऊपर होंगे, जाओ तो ये चचा से बात करा दो, वो नाव वाले हैं क्या? वो है, बैठा है, नाव वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे है क्या कि बहुत से, जब हम
धूप बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे जो नाव वाले हैं वो धूप की वजह से चले गए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि लोगों से आपकी बात कराऊं और समझाऊं कि सर नमस्कार कैसे हैं। नमस्कार। अच्छा मुझे ये बताइए सर कि सबसे पहले तो ये बताइए कि गंगा में कितनी सफाई हुई अभी तक। आप इधर मौका कर लीजिएगा एक मिनट के लिए, थोड़ा कैमरा इधर है ना, इधर आ जाइए ना, आप थोड़ा इधर आ जाइए। कितनी सफाई पहले से क्या बदलाव लग रहा है आपको? बहुत कुछ लग रहा है। ये बताओ कि दिन भर में आप कितना कमा लेते हैं इस नाव से, ताकि मैं समझ सकूं, क्योंकि अक्सर कहा जाता है सरकारों के थ्रू कि जब से कॉरिडोर बना हुआ है तब से बहुत ज़्यादा रोजगार हो गया, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो लोग हैं वो काम करते हैं। इसके बारे में थोड़ा मुझे बताओ। ऐसा कोई बात नहीं है, जो पहले था उसी तरह, जितना आप श्रम करेंगे दौड़ दौड़ लगाएंगे उतना ही कमाएंगे। कितनी कमाई हो जाती है पहले से? छोटी मोटर पहले से नहीं, जैसे पहले था वैसे आज भी है। अच्छा, और एक चीज़ और मुझे बताइएगा कि अक्सर ये कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफाई है जब से ये प्रोजेक्ट बना है, चाहे नमामि गंगे हो चाहे काशी कॉरिडोर हो, तो मैं तो देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ी हुई है, क्या ये बात सच है या फिर मैं ही अपने मन से बना के बोल रहा हूँ? देखिए कुछ है सफाई, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कुछ है, पहले से कुछ सफाई में बदलाव आया है। अच्छा, आपने ये मुझे नहीं बताया कि आपकी कितनी कमाई हो जाती है? कमाई का देखिए, कस्टमर दुकान है, कस्टमर आने के ऊपर है, अगर आया तो 500-700-800 कमा लिए, नहीं तो वो भी नहीं कमाते हैं, छोटी मोटर बोट है ना, एक बार खुलेगी तो बहुत देगी 200-300 रुपया देगी, और ये सब खुलेंगे तो कम से कम 1200-1500 दे देंगे एक राउंड का। अच्छा, तो अगर यहाँ से वहाँ तक जाते कितना ले लेते, और कि मुझे ये बताओ कि एक बार अगर चक्कर लगाते हैं तो यहाँ से खोलेंगे पुल आपको घुमाएंगे, घुमा के ला के छोड़ेंगे 200 रुपया। अच्छा, 200 रुपया, उसमें खर्चा कितना होता है? हाथ से चलाएंगे। अच्छा, हाथ से चलानी होती है, और ये जो दूसरी वाली है जिसमें जल पे दशाश्वमेध घाट तक बैठा के लेके लोग जाते हैं, नमो घाट से दशाश्वमेध तक 100 रुपया लेते हैं। अच्छा, मुझे एक और बात बताइए, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से इसका नाम नमो घाट हो गया है, उससे पहले क्या हुआ करता था, क्योंकि आपको बेहतर जानकारी होगी। खिड़किया घाट के नाम पे प्रसिद्ध था। अच्छा, खिड़किया घाट के, अब अभी भी लोग जानते हैं कि खिड़किया घाट है, लेकिन जब से 14 के बाद से नमो घाट कर दिया। पहले खिड़किया घाट था, अब नमो घाट हो गया है, सन 2000 मोदी जी को आने के बाद। मोदी जी को आने से, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो यहाँ पे हम पॉलिटिक्स की इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों को पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं, तो मैं सिर्फ ये देखने के लिए आया हूँ कि अक्सर यहाँ पर कितनी सफाई हुई है और किस प्रकार से ये लोग अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर हम क्या, आप सब लोग सुनते होंगे कि मंदिर से हजारों लोग को नौकरियाँ मिलेंगी, हजारों रोजगार मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, समझने के लिए।